बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स के बारे में। वजारत दिफा की जानब से बहुत बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 402 इस वक्त जॉब अवेलेबल हैं। वो तमाम पाकिस्तानी जो सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं उनके पास ये सुनहरी मौका मौजूद है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, आप ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में, आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप गाइड करूँगा आपने जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन जॉब इस वक्त अवेलेबल है, तमाम दर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है फौरी नौकरी, ठीक है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आपने फौरी नौकरी .com लिखना है और उसके बाद आपने रिसर्च करना है। जैसे ही आप रिसर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे दोस्तों आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जॉब अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब 2021 रजिस्ट्रेशन ओपन अप्लाई नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तमाम डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। बेसिक डिटेल मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी से लेकर बैचलर तक कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर आपको तैनात किया जा सकता है। पब्लिश डेट की बात करें तो आज इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। आखिरी तारीख की बात करें तो 22 तारीख आखिरी है, आपने 22 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। जॉब टाइप की बात करते हैं फुल टाइम जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 402 इस वक्त जॉब अवेलेबल है। सैलरी की बात करें तो स्केल के मुताबिक आपकी सैलरी होगी। पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्केड्यूल दे दिया गया है, इसके अंदर आपको बता दिया गया है कौन कौन जॉब इस वक्त अवेलेबल है, उसके लिए तालीम की कितनी ज़रूरत है और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। लाइब्रेरियन की जॉब अवेलेबल है, मेल के लिए 6 असामियाँ खाली है, ग्रेजुएशन तालीम की ज़रूरत होगी। और फीमेल के लिए भी लाइब्रेरियन की जॉब अवेलेबल है, ग्रेजुएशन तालीम की ज़रूरत होगी, 8 असामियाँ इसमें खाली है। इसके बाद स्कूल टीचर की मेल और फीमेल दोनों की जॉब अवेलेबल है, FSC या FA की तालीम की ज़रूरत होगी। मेल के लिए 140 असामियाँ खाली है, फीमेल के लिए 20 असामियाँ खाली है स्कूल टीचर की, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब अवेलेबल है, मैट्रिक तालीम की ज़रूरत होगी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए असामियों की तादाद 5 है, फीमेल के लिए 6 है। इसके बाद दोस्तों हेड मास्टर की जॉब अवेलेबल है, मैट्रिक तालीम की ज़रूरत होगी, 6 असामियाँ खाली है। इसके बाद असिस्टेंट की जॉब अवेलेबल है, BSc की तालीम की ज़रूरत होगी, आपको 6 असामियाँ इसमें खाली है। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब अवेलेबल है, FA तालीम की ज़रूरत होगी, 3 असामियाँ इसमें खाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब अवेलेबल है, 3 असामियाँ खाली है, बैचलर तालीम की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद UDC की जॉब अवेलेबल है, FA तालीम की ज़रूरत होगी, 22 असामियाँ इसमें खाली है। LDC की जॉब अवेलेबल है, 19 असामियाँ इसमें खाली है, मैट्रिक तालीम की ज़रूरत होगी। इसके बाद असिस्टेंट की जॉब अवेलेबल है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक साइंस तालीम की ज़रूरत होगी, 36 असामियाँ खाली है। इसके बाद स्टोर की जॉब अवेलेबल है, मैट्रिक तालीम की ज़रूरत होगी। अकाउंटेंट की जॉब अवेलेबल है, BCom अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 4 असामियाँ इसमें खाली है। ये आपको एडवर्टाइजमेंट का इश्तार दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जूम क्या आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे भी तमाम डिटेल अवेलेबल है, आप यहाँ के तमाम तफसीलात को देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए नीचे आपको लिंक दिया हुआ है अप्लाई नाउ का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट आपके सामने ओपन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आज ये जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और पूरे पाकिस्तान से कई लोग इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। तो जब वेबसाइट के ऊपर जो है इस तरह का लोड ज़्यादा पड़ता है तो वेबसाइट ओपन नहीं होती, ठीक है, बस का तो होस्टिंग जो वो क्रैश कर जाती है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ट्राई करते रहना है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैंने 2-3 दोस्तों से रब्ता भी किया है वेबसाइट के हवाले से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के इश्तहार के ऊपर यही बताया गया है कि आप इस वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है, ये जो ऊपर आपको दी गई है, और इसको ओपन करने के बाद ऑनलाइन आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट के इश्तहार के ऊपर भी इसी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो जब दोस्तों से पता किया तो उन्होंने कहा जी ये वेबसाइट के ऊपर लोड काफ़ी पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये ओपन नहीं हो रही। आप ट्राई करते रहे, इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना, ठीक है दोस्तों। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, मज़ीद तफसीलात के लिए आप foreignnaukri.com विज़िट कर सकते हैं और यहाँ के तमाम तफसीलात को आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब